अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग मुझे बता सकते हो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? साफ आ रही है, क्लियर आ रही है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? यस दैट्स गुड उमर खान, ज़बरदस्त। चलो फिर अपना लेक्चर शुरू करते हैं, आज के आगाज़ करते हैं बेटा। अगर आप लोगों को पता हो कि आज हम लोग का जो लेक्चर है वो ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा एक कंस्पिरेसी भी है, साजिश भी है। आप लोगों को सियासत सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि आज का जो टॉपिक है, अगर किसी को इल्म है कि हमने लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, किसी बच्चे को अगर पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, आखिरी टॉपिक हमारा क्या था जो हमने डिस्कस किया था। किसी को कुछ अंदाज़ है तो हम लोग फिर आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अगर वो पता है तो आज का टॉपिक बताओगे कि आज का टॉपिक मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था, किसी को पता है कुछ? नॉट लॉर्ड माउंटबेटन, उमर खान साहब, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था लास्ट टॉपिक। जो असल लॉट टॉपिक था वो कैबिनेट मिशन था। जो आज का टॉपिक है वो है आपका कौन सा, जो हमारा नवा लेक्चर है उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? 3 जून 1947, जिसमें हमारा जो आखिरी टॉपिक है पाकिस्तान मूवमेंट का, वो सुनन। उसके बाद जो हम लोग फिर पढ़ेंगे वो होगा कायदे आजम एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है ना? वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम रहमत डाले हैं, उनको कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी आपको मैं डिस्कस करूंगा आज। और जो प्रॉब्लम इशूज़ थे जो पाकिस्तान तश्कील के बाद जो इब्तदाई मुश्किल थी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये वो चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो पहला टॉपिक होगा 3 जून प्लान होगा 1947 का। अच्छा, उसूलन इस वक्त हमारा पाकिस्तान आज़ाद होना था बेटा, इस दिन को हमारा आज़ाद होना था, लेकिन वो कहाँ हुआ, कब हुआ? 14 अगस्त 1947 में, ठीक है बेटा? वो जो आज़ादी हुई उसके 2 महीने की जो साजिश थी वो इसमें हम पढ़ेंगे, तो वो इतना डिले क्यों होता गया वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा ना, कैबिनेट मिशन फेल हुआ। जब कैबिनेट मिशन फेल हुआ तो उस वक्त पहले जो उससे फेल हुआ था वो क्या था? लॉर्ड वेवल का प्लान। अच्छा, लॉर्ड वेवल के प्लान में अगर देखा जाए तो उसमें जो कोताहियां हुई थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ, फिर कैबिनेट मिशन हुआ, जनरल इलेक्शन में हम जीत गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा पाकिस्तान तो बनना ही था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो भारी अस्करी से जीती उसके हिसाब से कैबिनेट मिशन आया, उनका भी फेल हुआ मिशन, जो प्लान था वो फेल हुआ। वो याद आ रहा होगा पंडित नेहरू की बात जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी कि उनके अंदर से निकल गई थी कि भाई अल्लाह ने उनको भी एक हिदायत दे दी कि भाई कहीं ना कहीं ब्लफ चल रहा है कायदे आजम का। तो वो इसी हिसाब से हम आज उसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन जैसे ही फेल होता है तो उसके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन जो आते हैं वो एज अ विसरॉय बनकर आते हैं, एज अ गवर्नर बनकर आते हैं। कब? 20 फेब 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि अब सब कॉन्टिनेंट की जो रूलिंग है ब्रिटिश की वहां से खत्म हो जाएगी। कब? जून 1947, 3 जून 1947 को खत्म हो जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन एज अ विसरॉय गवर्नर कब बनकर आते हैं? मार्च 1947 में। अच्छा बेटा, ये आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ है तो कोशिश ये करना है कि आपका जो एमसीक्यूज का है इसमें 13 भी है, 17 भी और 21 भी है, 13 मार्च, 17 मार्च, 21 मार्च। असल में 13 मार्च ज्यादा लिखा हुआ है तो आप उसी पर टिक करना अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है? मगर मार्च 1947 को एज अ इम्प्लीमेंट हो गया, अमल आ गया था पावर ऑफ लास्ट रिसोर्स। ट्रांसफर ऑफ पावर का जो मतलब है बेटा यहाँ पे क्या है, पावर का जो निसाब है, क्योंकि अगर आपने नोट कराओ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही निगोशिएशन जैसी शुरू की सियासी कादीन से मुज़ाकरात में, तो उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि अब जो पावर जो होगी, जो प्लानिंग हमारी चल रही है, मनसूबाबंदी चल रही है, वो क्या है कि अपनी पावर जो अथॉरिटी है उसको हम खत्म करेंगे। अच्छा, तो पावर का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या? गवर्नमेंट। अब यहाँ पे रूलिंग खत्म होने वाली है किसकी? बरतानिया की। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लॉर्ड माउंटबेटन को सेंड इसलिए किया बरेसगीन में ताकि वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दें। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस क्लियर करने का मकसद ही था कि इट मींस के यहाँ पर अब जो सल्तनत होगी वो किसकी चलने वाली है? इंडियंस की। जब इंडियंस की वाली है तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो बचपना चल रहा है, जो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा चल रहा है, वो अगेन पंडित नेहरू। अच्छा, हार्वर्ड में एक साथ पढ़े, कॉलेज इलेक्टोरियल कॉलेज में एक साथ रहे, तो यही वो रीजन थे जिसकी वजह से इनके ताल्लुक बड़े कायम हुए और पंडित नेहरू ने उनको रिसीव भी किया और सबसे ज्यादा इनके सामने जुड़े भी, इनके साथ मिले भी। आपने अगर नोट कर लिया कि ये चीज बहुत ज्यादा थी, नेहरू फैमिली से इनके बड़े ताल्लुकात थे। अच्छा, लेडी माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन में सबसे अहम क्रूशियल और एफिशिएंट यही प्रॉब्लम थी कि पंडित नेहरू का ज्यादा फोकस किस पर था? लेडी माउंटबेटन। तो बेटा याद रखना, सियासत में खातून को अगर ज्यादा माना लिया जाए तो वो अपने जो खाविंद होते हैं, जो होते हैं, उनको वो ज्यादा आराम से कहीं ना कहीं टैकल कर लेती हैं। तो ये वो रीजन था कि पंडित नेहरू जब अपने लोगों के दरमियान में मिल रहा था तो वो बड़ा सीरियस हो रहा था, और जब इनसे मिल रहा था, देख रहा आपके सामने तस्वीर में दिखी रहा होगा, बड़ा बड़ा खुला खिला। तो ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये तो कंस्पिरेसी, ये साजिश किसकी? कांग्रेस की। वो
कांग्रेस क्या चल रही है, वो इनको अपनी तरफ कर रही है, वो ट्रैंक्विलिटी इंबैलेंस और वीज पाकिस्तान, क्योंकि अब इनके अंडर में है कि पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, तो वो इंडिया के जो इलाके थे वो इन्हीं को मिलने के लिए अगेन ये कंस्पिरेसी शुरू हुई। अब ये कंस्पिरेसी जब शुरू हो रही है, साजिश जब शुरू हो रही है, तो उसमें सबसे अहम जो कॉन्फ्रेंस आती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मेंबरान जो होते हैं, जितने मेंबर्स आते हैं वो सरदार पटेल साहब आते हैं, कृपलानंद साहब आते हैं, बलदेव सिंह, पंडित नेहरू, ये तो आपको पता ही है, ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गांधी जेल में है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खान कत्ल अली खान, कायदे मोहम्मद जिन्ना और सरदार रब निश्तर। अब आपने अगर देखा हो कि इनका सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर ये था, ये आपके सामने तस्वीर है बेटा, ये सेशन चल रहा है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, आपने अगर नोट करो ये बलदेव सिंह, ये कृपलन, ये पंडित, और इसके बराबर में सरदार पटेल बैठे हैं, और ये कायदे आजम खान लियाकत अली खान, सरदार अब निश्तर, अब ये हैं। अच्छा देखो, अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड माउंटबेटन ज्यादातर किसकी तरफ फोकस हुए हुए हैं, कांग्रेस की तरफ, न्यूट्रल नहीं बैठे हुए, बीच में नहीं, न्यूट्रल नहीं बैठे हुए, और आपने अगर नोट करो पंडित नेहरू के साथ ज्यादा, तो यहीं पर आपको समझ में आना चाहिए तस्वीरों से अगेन भी पता चल रहा है कि कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा, कोई वादा नहीं है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम, देखो आपको लिखा भी है राइट, जाना बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर है और लेफ्ट पे जवाहरलाल, एक्सट्रीम का मतलब है दूर, ये बिल्कुल ही दूर बैठे हैं वही, क्योंकि आपने अगर नोट करो कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी अब वही अगेन शुरू होने वाली है, ताल्लुकात के ऊपर चलेगी सियासत, और कायदे आजम ने ये प्लान ना चाहते भी एक्सेप्ट क्यों किया वो तो आपको पता ही है बेटा, क्योंकि उनकी बीमारी का उनको पता चल चुका था, अब वो बीमारी की वजह से अब ये प्लान को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अब आजाद नहीं हुआ तो फिर बकड़े खड़े हो जाएंगे किसकी तरफ, हिंदूज और प्लस बरतानी की तरफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो यहाँ पर ये बात शुरू होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है अमल दरामद का, तो आपने अगर नोट कराओ कि पंजाब प्रोविंस को जब बाउंड्री कमीशन बनाया जाए तो उसमें बकायदा किसको रखा गया, सर सर रेडक्लिफ को, ये इनका चेयरमैन बने बाउंड्री कमीशन के, यानी कि जितनी भी आपकी हदूद थी उनको तय करने के लिए इनको बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन क्यों सामने खुद नहीं आए बेटा, एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और वो अपने पर इल्ज़ाम ना आए जो भी ये बाउंड्रीज को अगर कलेक्ट करें, क्योंकि सारी की सारी बाउंड्रीज का तनाजा इनके ऊपर ही आके बैठ जाएगा अगर कोई बखेड़ा खड़ा होता है। और इसी के हिसाब से इन्होंने भी क्या चाल चली कि दो जस्टिस किसके लिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से, और दो जस्टिस लिए उन्होंने किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अच्छा अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर यहां से हम शुरू करें तो यूं सीधे अगर हम लोग जाएंगे तो पहले कौन आएंगे आपके पास, जो मुस्लिम लीग के थे जो जजेस, वो शाहदीन साहब थे और जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब थे। इसी तरह जस्टिस महरचंद और जस्टिस तेजा साहब आपको यहां पर दिख रहे हो, इन्हीं की रिस्पेक्टिवली इन्होंने बताओ किया, यानी कि पूरा बाउंड्री को तय किया, बाउंड्री कमीशन तय हुआ, तय होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कौन, सर रेडक्लिफ को। अच्छा देखो बेटा, ये सारी जितनी बाउंड्री कमीशन में जो तनाजात बढ़ रहे हैं वो कौन बढ़ा रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन रखा हुआ सामने किसको है, सर रेडक्लिफ को। ये तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना, ये तो आप सबको समझ में आ गया था, लेकिन अगर आपने नोट करा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से पहला जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पंजाब हुआ। अच्छा पंजाब को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया गया जबकि मुस्लिम लीग यहाँ से पूरी जीत चुकी थी, रीजन ये था कि बेटा जो आपको ईस्टर्न साइड दिख रहा है जो हमारे पास नहीं आया, जो इंडिया के पास है, वेस्टर्न साइड हमारे पास है, वेस्टर्न साइड के हिसाब से तीन कैनाल हमारे पास है दरिया के, तो इंडिया को भी तो जरूरत पड़ेगी उन्हीं के, दो जो बड़े तनाजे थे क्या, गंगा और जमुना के, ये था पूरा इलाका मुस्लिम लीग का, यहाँ से जीत चुकी थी मुस्लिम लीग, लेकिन मेजॉरिटी इलाकों में, क्योंकि हमने देखा मैंने निचला अभी लिखा भी है, गुरदासपुर का इलाका और ये सारे जितने भी इलाके थे, गुरदासपुर, होशियारपुर, आपने देखा होगा ये हरियाणा से ऊपर, ये जितने भी इलाके थे ये सारे किसके थे, मुस्लिम लीग के। लेकिन हैरानी की बात ये साजिश हुई, अब ये क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा कायदे आजम को, मैं आपको बता चुका हूँ, एक ही रीजन पहले नंबर पे आता है, इनकी बीमारी, कुछ नहीं पता था तो उन्होंने जल्दी एक्सेप्ट किया, रीजन ये था कि हमें वो मिल तो जाए, वो इलाके तो मिल जाए, यही वो रीजन थी जिसके बाद थर्ड जून प्लान, देखो मैंने लिखा हुआ ये आपको तस्वीर रखने का मकसद यही था, ठीक है। प्लस सबसे अहम बात आपके पास दूसरा आता है बंगाल प्रोविंस जो पंजाब के हिस्सों में था। अच्छा इसके इलाके जो थे सबसे अहम, कलकत्ता, मुश्ताबाद, नदिया वाला के इलाके, ये जितने भी इलाके थे बेटा यहाँ पे हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा थे, तो इनको भी दो हिस्सों में बांट दिया, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ईस्टर्न इलाका किसकी तरफ किया, इंडियन की तरफ, और वेस्टर्न इलाका पूरा बंगाल का किसको दे दिया, अगेन पाकिस्तान को। और वही पूरा इलाका जो असम का था वो भी इलाका किसको दे दिया, जो थोड़े बहुत इलाके थे वो हिंदुओं को दे दिए। अब ये वो डिसीजन मेकिंग थी जहां पर ये हो रही थी, सिंपल रीजन बेटा, देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कायदे आजम एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनकी बीमारी, अब उनकी बीमारी का कुछ नहीं पता था तो ये रीजन ही सबसे मेन, किताबों में ये रीजन दिया जाता है सबको, ये जितनी भी साजिशें हो रही हैं ये करनी तो थी इन्होंने, और कुछ जो इलाके जो बार बार दिए जा रहे हैं हिंदुओं को, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी भी थी तो मुसलमानों की संतकारें भी थी, इंडस्ट्रीज भी थी, वो भी नहीं चाह रहे थे कि कहीं मुस्लिम लीग को दे दें, एक सिंपल सी बात, जो यहाँ पर है वो ज्यादातर भूखे नंगे हैं, जो आपको आगे चल के बताऊंगा अभी, जो बेचारे बहुत ही गरीब लोग थे वही यहाँ पर आए, तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से बंगाल भी गया। अब बंगाल के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद सबसे अहम जो है वो कौन सा इलाका था, NWFP का। अच्छा KPK के इलाकों में तो आपको पहले ही पता है कि KPK ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया था पाकिस्तान को, उनमें जो सबसे अहम नाम था पीर मनकी जांग
सबका था, खान अब्दुल कयूम खान साहब थे और सरदार रब मिश्रा साहब थे, इन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि रिजल्ट जो आएगा वो तो NWFP का, तो वो जाना ही किसके पास है, पूरे का पूरा लगा किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास, में तो कोई शक नहीं था। लेकिन सिंध का इलाका जो पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बन गई थी वो सिंध नहीं बन गई थी, और मुंबई से निकल के पूरे का पूरा सिंध किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को, तो इसमें तो कोई इख्तलाफ था ही नहीं, इसमें कहीं इख्तलाफा नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे थी मुसलमानों की मेजोरिटी, यहाँ पे हिंदुओं का कॉन्सेप्ट ही कम था, तो इन इलाकों में नहीं आया। लेकिन बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो उसमें जो तीन अहम किरदार नाम आते हैं वो किन के आते हैं, काजी मोहम्मद ईसा के, मीर जाफर जमाली के और जगजोई साहब के। अच्छा, खान ऑफ कल्लात ने भी ऐलान कर दिया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ ही जुड़ेगा, जो मैंने आपको सुमो किरदार में पहले ही समझा दिया था, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे भी साजिश करने की कोशिश की किसने, इंडिया ने, यहाँ पे बलोचों को बाकायदा उकसाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बलोचों ने किसका साथ दिया, पाकिस्तान का। ये बहुत बड़ी बात थी, ये हमारे लिए एजाज की बात थी, लेकिन क्या करें, खो दिया, लेकिन वो अलग बात है। अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट सहलत के, अच्छा ये मौलाना बशानी साहब जो है, इनकी बड़ी मशहूर मस्जिद भी है, जो हमने देखा बैतुल मुकरम मस्जिद, ये इन्हीं की मौजूदगी में बनी है बेटा। और हमने अगर नोट कराओ कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास आता है ना, कि हमने अगर नोट कराओ कि ये बशानी साहब, चौधरी फजल कादिर साहब और अब्दुस कद्दूस साहब, अच्छा अब्दुस सबूर खान साहब जो हैं, इनका इनका जो सबसे अहम किरदार है सिहरत के इलाकों में, जो बंगाल के हिस्सों में आती है, ये पूरे इलाकों में सबसे अहम जो हक बंदी थी वो किसकी तरफ गई, पाकिस्तान की तरफ, और जो असम के इलाके थे उनमें किसके हक बंदी गई, इंडिया की तरफ। तो वही बात है बेटा, जहां पर आपकी तिजारत ज्यादा थी, मुसलमान अपनी तिजारत को खोना नहीं चाहते थे, जो बड़े अमीर तरीन थे वो तो कांग्रेस की तरफ ही चले गए, और कुछ इलाके उन्हीं को दे दिए गए। अब उसके बाद अगर सबसे बड़ा तनाज आता है तो नुमाओं नॉन मुस्लिम्स के इलाके, अगर आपने नोट करा हो कि असम, यूपी, बिहार, मुंबई, उड़ीसा, ये सब दे दिए गए किसको, हिंदुओं को, ये तो सिंपल डिसाइडेबल था, ये इलाके सारे उनको दे दिए और बड़े मेजर प्रोविंसेस में थे। लेकिन अगर आपने नोट कराओ शाही रियासतें, शहरी रियासतों में अगर देखा जाए, देसी और शहरी रियासतों में प्रिंसिपल स्टेट में से 635 स्टेट थी जो थी नवाबों के अंडर में थी, उसमें सबसे अहम जम्मू एंड कश्मीर का इलाका था, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी भारी अस्करे से जीत गई थी, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मंगलोर, मनवादार, ये सारे इलाके किसके थे, मुसलमानों के थे। अब यहाँ पर कुछ इलाकों में, हैदराबाद, दक्कन, मंगरोल और मुनवादार में, कहीं ना कहीं सनतकारों में मुसलमान बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे, तो वहां के इलाकों में इन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि पूरी फैक्ट्री तो उठा के लाने से पाकिस्तान, तो उन्होंने वहीं पर वो सारे इलाकों ने जो हक दिया वो किस पे दिया, इंडिया के हक में। जम्मू एंड कश्मीर पे तो बकायदा कब्जा हुआ, ऑक्यूपाइड किया गया, वो कैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग अली प्रॉब्लम्स में आएंगे बेटा। लेकिन आपने अगर नोट करा ये अभी तक तनाजा चल रहा है। अब इसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 में। अब आप देख रहे हो कि ये सब तय करने करने के चक्कर में 2 महीने गुजर जाते हैं मजीद, और आपने अगर नोट करा मार्च में आए थे, जून में तय करना था आजादी कब मिली, 14 अगस्त 1947 को, जब शबे बारात थी या शबे कदर, सॉरी शबे बारात निकल गया, शबे कदर थी, और हमें पता है 27 रमजान को ये आजाद हुआ। और हमने अगर नोट करा कि पाकिस्तान आजाद हुआ उसमें सबसे बड़ी काविश किसकी थी, वो थी कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना की। अब उन्हीं के बाद हम लोग देखा तो उनका गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एज अ वर्कआउट क्या किया, देखो बेटा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का तारुफ तो मैं आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ एंडियोलॉजी में, नजरिए में। लेकिन अगर देखा जाए तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जो वफ़ात थी वो कब हुई, 11 सितंबर 1948 में, बहुत ही कम पीरियड मिला इनको ऐसा गवर्नर, 13 महीने, सॉरी बेटा। लेकिन अगर आपने नोट करोगे, डॉक्टर ने तो पहले ऐलान कर दिया था, पहले उनको बता दिया था कि 4 या 5 महीने रह गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतना टाइम मिल गया कि उन्होंने पाकिस्तान को जहाँ स्टेबल करना था वहाँ तक किया। और आप देख रहे होंगे उनके जनाजे पे कितने, पूरा पाकिस्तान ही था बेटा। और बाकायदा आपने अगर नोट करा हो कि पहला जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, अंजुमन इस्लाम मुंबई का, जो उन्होंने बाकायदा पॉलिटिक्स शुरू करी हुई थी, उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका सबसे अहम किरदार इसी पे आता है कि हाँ, कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट फेडरेशन में काम कर रहे थे। 1906 में कांग्रेस में एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ज्वाइन हुए। मैंने आपको बताया ना, कृष्णा गोखले साहब ने इनको अपॉइंट करवाया था एज अ राइट हैंड, क्योंकि बेटा इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ, इनकी जहानत का लेवल बहुत हाई था। अब यही वजह होती है कि जहां पर अगर देखा जाए तो इनको मुस्लिम लीग में लाने वाले कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वजीर हसन साहब। अब देखो वजीर हसन साहब को मैंने तस्वीर रख दी है कि ताकि आपको पता हो कि ये वो शख्स थे, बड़ी मुश्किल से मिली लेकिन मिल गई और मैंने रख दी है। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया किसके मामले में, कायदे आजम को लाने के। अच्छा, ब्रिटिश कॉलोनिज्म नौबत के खिलाफ तो पहले ही थे कायदे आजम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के उनके बड़े फेवर में थे, लेकिन आखिर में चलते चलते किसके हो गए थे, टू नेशन थ्योरी के। और प्लस जैसे इनका इंतकाल होता है तो इनको बरीड, यानी कि इनको जो दफनाया गया, इनका जो टूम है, इनका जो मकबरा है वो कराची में, तो इसी तरह याद रखना बेटा, लाहौर में नहीं है, रावलपिंडी में नहीं है, कराची में, ये तो सबको पता होना चाहिए।
लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बकायदा और फातिमा जिन्ना का भी कराची में ही है, यहीं टूम ऑफ कायदे आजम के बराबर में। प्लीज अच्छी तरह याद रखना बेटा, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता तो आपको मैं पहली ग्रांट कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अब इनका किरदार शुरू होता है। अच्छा, किरदार में अगर देखा जाए तो आपके पास सबसे अहम इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, पहली बात जो आती है वो क्या है कि इन्होंने पहला कैपिटल जो बनाया वो कराची को बनाया था। इस्लामाबाद नहीं था, कैपिटल था, मेट्रोपॉलिटन सिटी था बिकॉज ऑफ पोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था ना कि मुंबई से सिंध को अलहदगी का जो मंसूबा तय हुआ वो इसी बात पे हुआ कि पोर्ट जो आने थे वो किसके पास है, हमारे पास। और जब हमारे पास आने थे तो उसमें कराची को ही कैपिटल बनाया गया। अब कैपिटल बनाया गया तो मेट्रोपॉलिटन सिटी उस वक्त कराची था, और ये गवर्नर जनरल ने ही सीरियसनेस पर ही बनाया था। अब वो अलग बात है इस्लामाबाद क्यों हुआ, वो हम लोग इंशाल्लाह कभी अगर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको ये लिखना लाजमी है तो आपको पता भी होना लाजमी है, ठीक है बेटा। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो किया वो आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफिशल्स को बकायदा ये जिम्मेदारी दी गई थी, ये लॉ लगाया गया था कि अपनी नेक नियति के साथ ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अगर नहीं कर सकता बंदा जाए, क्योंकि उस वक्त पढ़े लिखों की कमी थी, लेकिन ऑनेस्टी और फेथफुलनेस के साथ काम होगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना तो नहीं। अगर आपने नोट कराओ कि तीसरा सबसे अहम मुद्दा जो था वो था स्पेशल ट्रेन्स। आपको पता है पाकिस्तान में पहले 25 ट्रेनें चल रही थी, अब तो एक भी नहीं दिख रही सही तरीके से, इंटरनल सेकुलर ट्रेन्स वो नहीं मिल रही। वैसे नहीं मिल रही बेटा क्योंकि अहमियत खो दी है ना, तो उस वक्त भी स्पेशल ट्रेन चलाएंगे इंडिया टू पाकिस्तान के, ताकि हमारे ऑफिसर्स आ सकें, लेकिन फिर भी ऑफिसर्स नहीं आए थे, जला दिए गए, वो भी आएगा, अर्ली प्रॉब्लम्स भी आएगा। तो हमने अगर नोट कराओ कि हाँ ये वो बातें थी कि जहाँ पर कायदे ने इतनी अहमियत का हामिल दिया पाकिस्तान को। प्लस सबसे अहम बात जो उन्होंने साइन करवाया फॉरेन पॉलिसी के, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो आया वो आया आपकी एयर कंपनीज का। आपको पता है कि 1953 में बकायदा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बन गई थी, 1958 में उसका आगाज कर दिया गया था। और आपको पता है पहली जो हवाई जहाज आए थे बनकर वो आए थे जापान से, फिर कतर ने दिए, फिर आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने दिए। तो ये वो सारे थे, ये वो एग्रीमेंट साइन करवाए थे किसने, कायदे मामले जिन्होंने, बकायदा ये काम हुआ है बेटा। ऐसा नहीं है मैं ये लंबी फेंक रहा हूँ, लेकिन ये है, ये हुआ है, कायदे आजम की मौजूदगी में हुआ है। और ये आपको जितनी बेनिफिट्स आप आज देख रहे हो ना, ये इन्हीं की तरफ तक थे, अब तो उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे, वो क्यों वो आप लोगों को पता है, उसमें मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पहली जो बनी थी पाकिस्तान की, उसके चेयरमैनशिप जो बनाया गया चौधरी मोहम्मद अली को बनाया गया, और बकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो चेयरमैनशिप भी आई थी वो इन्हीं के तजावुज से आई थी। तो कायदे आजम ने उसको भी इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेट का मतलब समझ गए आप लोग, इफ्तिताह किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1948 में, जून 1948 में। तो वो इन्हीं के काबिज में थी, इसलिए मैंने उनको रखा है, ठीक है बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन्होंने पूरा डिफाइन किया था। प्लस सबसे अहम बात, कायदे आजम ने सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट था, आईएएस का यानी सीएसएस का जो पेपर था उस वक्त आईएएस कहलाता था इंडिया का, वो सिविल सर्विस का पूरा अकेडमी का यहाँ भी कॉन्सेप्ट आया। और जो गवर्नमेंट में आना चाहेगा तो 18 ग्रेड के पेपर देने के बाद ही शमूलियत हासिल करता है, किसमें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगर ऑफिस में देखा जाए तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ रखी वो अकाउंट्स और फॉरेन सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का ये रहा, अगर आपको अगर पता हो थोड़ा भी, तो वो क्या था, यूएन का मेंबर बन गया था। जनरल हेड क्वार्टर्स का भी इफ्तिताह इन्होंने किया, जीएचक्यू का बेटा, आर्मी का। सब बोलते हैं नहीं किया, इन्होंने किया। देखो आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि अगर बताओ कोई आपसे पूछे कि जीएचक्यू का इफ्तिताह नहीं किया, तो बेटा की है, कायदे आजम ने ही की है, और कोई आर्म फोर्स में पहली नेवी की है, क्योंकि नेवी नहीं, पहले आपको पता है ना नेशनल एंथम लिखा है उसका जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक बजाय, सॉरी लिखा नहीं, म्यूजिक जो दिया है वो नेवी की तरफ से आया है, ये तो पता ही नहीं लोगों को, और लिखने वाले हफीज जलंधरी साहब थे, तो किसी को पता ही नहीं है, जब पता नहीं है तो बेटा भूल जाते हैं ना। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इन्हीं के किरदार, इन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ, गवर्नर जनरल जब भी बने हुए थे जीएचक्यू। और पता ना 70% आर्मी पूरी दुनिया में तो बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान की है, पूरी दुनिया में। तो 30% तो बेटा मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं करप्शन भी आर्मी में है, वो तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 70% तो है ना, अमन में तो आते हैं, पीस यूएन में तो हमारा ही नाम आता है, तो हमें पता नहीं है, छोड़ो अब क्या बोले, भूल जाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बनाई गई शॉर्ट पीरियड में किसी तरफ से बनाई गई, कायदे आजम की तरफ से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब होता है बेटा आर्म्स एंड एम्यूनिशन। वो किस तरह बनी, वो अलियन प्रॉब्लम्स में आपको समझाऊंगा, वो कैसे पड़ी, पहला लोन ही इसी वजह से लिया था हमने। तो अगर आपने अगर नोट करा, यूएन के मेंबर कायदे आजम की मौजूदगी में बने थे, मैंने आपको बताया भी था बेटा कि 45 डेज में 40 कंट्रीज के दौरे किए। और आपको पता है 30 सितंबर 1947 को ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया था। ये बहुत बड़ी काविश थी कायदे आजम मामले जिना की, जो सराहाया गया है वाकई में, लेकिन भूल गए,
ये भी निकल गया है जहनों से। और आपने अगर नोट करो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो फॉरेन अफेयर्स थे उनमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले पड़ोसी के इलाकों में हम लोग गए थे जापान, तो आपने नोट किया होगा बेटा ये हमारा था किरदार, गुड रिलेशंस थे अमरीका के साथ, ताल्लुक हमने अच्छे कायम किए थे, अमरीका हमसे सीखना आया था। आपके सामने फॉरन मिनिस्ट्री के बंदे का, एम्बेसडर का, विलियम का मैंने तस्वीर भी रखी हुई है, ये आए थे इनसे मिलने के लिए। अब फ्रेंडली रिलेशन टाइज भी होते, प्रिंसिपल्स पर हमने फॉलो करना था, अपने बुनियादी उसूलों में फॉलो करना था, ये कायदे आजम की पूरी पॉलिसीज थी, ठीक है ना। इंटरनल अफेयर्स देखो, नॉट ओनली पेड अटेंशन टूवर्ड्स इंटरनल अफेयर्स बट ऑल्सो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फॉर्मुलेट द फॉरन अफेयर्स, आपने नोट करा होगा, ये बहुत बड़ी बात थी कायदे आजम के लिए। लेकिन हम तो क्या बोलें। अच्छा आपने देखा होगा उनकी आखिरी, बताए ना आखिरी, क्या बोलूँ, कैसे अल्फाज निकालू, आखिरी सांस तक या आखिरी हवा तक, क्या बोलूँ बेटा, बहुत सारे अल्फाज आते हैं लेकिन आखिरी सांस ही एक असल होता है। लेकिन आपने नोट करा होगा कि वो फाइनल, अच्छा कायदे आजम की सबसे अहम चीज़ जो थी उनके दरमियान में उनका वक्त था, एक सियासतदान के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसका वक्त, तो आप अंदर होगा उसके उनका वक्त कैसा गुजर रहा है, वो नहीं बैठ पा रहे, उन 13 महीनों में भी बैठ नहीं पा रहे, उनको पता था कि हमने कुछ ना कुछ जल्दी काम करने, जल्दी चीज़ों को निपटाना है, क्योंकि उनके देखो बेटा बीमारी कुछ नहीं पता, टाइम कम है बीमारी का पता नहीं है, कब हो जाए कुछ नहीं पता, तो ये वो रीजंस थे। और आपको पता होना चाहिए कि वो इतना थक चुके थे, तो उनकी बीमारी का इतना था कि उनको जहाज में ही अटैक आया था, आपको पता है ये फिल्में भी दिखाया गया, और फेटल डिजीज थी, कोई क्योर नहीं था, उनको बड़ा ही धचका लगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक असासा जो था, सबसे बेहतरीन असासा, वो ही ख़त्म हो गया। अब असल बात यहाँ पर यह आती है कि इनके बाद जो इंतकाल हुए उसके बाद क्या मुश्किलात दरपेश आना शुरू हुई। देखो बेटा अच्छी तरह याद रखना कि पाकिस्तान को पहले कोई मुश्किलात नहीं थी जब तक के कायदे आजम जिंदा थे, उसी के बाद दरपेश मसाइल आए। और हमारे पास सवाल भी ये आता है कि हाँ कि वो कौन से ऐसे मसाइल थे, वो कौन से ऐसे इब्तदाई मुश्किलात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान घिर गया। देखो एक सिंपल बता रहा हूँ बेटा कि पाकिस्तान का जो पहला, तो आपको सबको ही बताया जाता है कि पाकिस्तान ने आराम से नहीं मिला, इसमें कुर्बानियाँ ब्लडशेड, देखो ये ओ लेवल्स की किताब का मैंने फ्रंट पेज रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो मैप पर आया वो बड़े आराम से आ गया, थाली में डाल के दे दिए। अब आप नोट करोगे कितनी मुश्किल में तो मिली गया जब गवर्नर जनरल कायद अजम की हालत क्या हो रही थी, क्या हालात चल रहे होंगे, और मैंने यहाँ पर बाकायदा लिखा है कुर्बानियों से और खून खराबा, खून खराबा हुआ है लेकिन जंग नहीं हुई, खून तो दिया है लोगों ने, जाहिर सी बात है तभी तो आगे बढ़े, कोई आपको थाई रख पे तो मिला नहीं है, और यही हमने खो दिया, अपने जहनों से निकाल दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे लोगों को ये बताएं कि पाकिस्तान ने आराम से नहीं मिला है, और यही वो रीज़न है कि जब पार्टीशन के दौरान ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी तो हमें पता होना चाहिए था। और ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं, पहली बात तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वो क्या थी, कि कहीं ना कहीं अनजस्टिस हुई है। 3 जून प्लान का तो आपके सामने ये पूरा एक पूरा वाकया है, वो कंस्पिरेसी थी, साजिश थी सर साइर रेडक्लिफ की बकायदा लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, और बकायदा गांधी ने तो ये अनाउंस भी किया था अपनी फर्स्ट स्पीच पे, जब लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया गया था इंडिया का, तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के कायदे आजम के पास अगर 2.5 साल, इनके 2.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स अगर होते तो शायद आधा इंडिया पाकिस्तान का ही हो जाता, तो ये बात थी। और आपने अगर नोट करो गांधी को उसी दौरान 2 महीने के बाद मार दिया गया, अब ये भी एक बड़ी साजिश थी, क्या था बरतानिया का किरदार था इसमें, क्या नहीं था अनजस्ट और अनफेयर तो वही था। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि हाँ ये बड़ा मुद्दा अब तक चल रहा है, कश्मीर इशू जो सबसे बड़ा तनाज़ है वो अब तक खड़ा हुआ है बेटा, क्योंकि वहाँ के मुसलमान अब तक इंडिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ, क्यों पहले पाकिस्तान की तरफ ही आना चाहते थे, पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर पा रहा, वो इंडिपेंडेंट ही मांग रहा है, लेकिन ये इशू रहा है और ये अब तक चल रहा है बिकॉज ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम आप समझ लोगे, पानियों का तनाजा जो आपके पास आता है, लेकिन इससे बड़ा जो तनाजा आया था वो क्या था, रेफ्यूजीज की, क्या बोलते हैं, महाजरीन की जो यहाँ पर आ रहे थे उनकी कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन, नौ आबादियत करना। अच्छा मैं बात बताऊँ बेटा कि यहाँ पर आपकी किताब के अंदर 7 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है ना, 7 मिलियन लोग आ रहे हैं, सॉरी 70 मिलियन लोग, कहीं लिखा हुआ है 90 मिलियन लोग, कहीं आ रहा है 12.5 मिलियन लोग आ रहे हैं पर सूबे के हिसाब से, तो आप अंदाजा लगाओ कि ये बड़ी लार्ज स्केल की पावर इंटरनल माइग्रेशन थी, अंदरूनी हिजरत थी। और आपके सामने मैंने तस्वीरें कुछ रखी हुई भी हैं, और आपको दिख रहा होगा कि लोग छतों पर बैठकर आ रहे हैं, और बकायदा जिंदा जलाया भी गया ट्रेनों के हिसाब से, 80,000 के लोगों को तो बकायदा जिंदा जलाया भी गया, जब यहाँ से ट्रेन ऑफिशल्स में मुसलमानों के पूरा रिकॉर्ड आ रहा था, तो आप अंदाजा, ये आप सोच रहे होगे कि कितनी भारी अक्सरियत के लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग आ रहे हैं जो गरीब हैं जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, क्योंकि सनतकारों ने तो अपने इलाके लेके बैठ गए थे मुसलमान, उनको तो पैसा दिख रहा था, वो एक अलग ही मसला है, उसको तो हम अलग ही बात को कभी छेड़ेंगे। लेकिन हम अगर नोट करो रेफ्यूजी कैंप्स का भी बड़ा मसला रहा, अब ये भी मसला था, ये मसले के बाद अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो अब आ रहा है, तो आपने अगर नोट कराओ
कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। अब रिकॉर्ड सिस्टम की मसला कर रहा है क्योंकि ट्रेनों में आ रहा है और ओपन एयर्स में लोग बैठे हुए हैं, कोई इलाके नहीं है, कोई ऑफिस सही तरह नहीं बने हुए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को जला दिया गया हिंदूज की तरफ से, यानी कि इंडिया की तरफ से। और आपने अगर नोट करा, लार्ज नंबर पर हमारा शॉर्टेज थी सब चीज़ों की, ऑफिस जितनी भी एक्सेसरीज थी। तो आपने अगर ये नोट कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पर बाकायदा इस्लामिया कॉलेज पिशावर और लाहौर के स्टूडेंट्स को बुलवाया था कि ताकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे थे तो उनको ही पता था कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से रखना है। अब इतनी भारी इज्जत के लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खून खराब ही बड़ा, ब्लड शेड भी। आपको पता है कि यहाँ पर आपकी 9th क्लास में बाकायदा बुक में बताया भी जाता है कि 7 मिलियंस को बाकायदा कत्ल कर दिया गया था इसी दौरान। तो ये वो चीज़ें थी जहाँ पर हमें पता होना चाहिए था, हमें अपने दिमागों में रखना चाहिए था, लेकिन क्या पता करें भूल गए। अगर इसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा तनाज़ा था वो जो अब तक चलता आ रहा, हमारा पहला लोन। अच्छा देखा आपने बेटा, देखा होगा कि पाकिस्तान को ग्रांट, पूरे इंडिया को ग्रांट हुए थे 4 बिलियन रुपीज़ रिजर्व बैंक की तरफ से, इंडिया के रिजर्व बैंक की तरफ से। 7750 मिलियन ये हमें देने वाले थे, 1 बिलियन में से 1 बिलियन ग्रांट हो गए थे। वैसे पूरे इंडिया को 4 बिलियन हुए, पाकिस्तान को 1 बिलियन हुए, उसमें 7750 मिलियन लिखे गए, 200 हमें मिले, कहीं लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है 700 मिलियन इंस्टॉलमेंट में आने थे, जिसमें से 50 मिलियन हमें नहीं मिले, कहीं ये लिखा हुआ है, लेकिन असल में 700 मिले ही नहीं। तो 200 मिलियन में हम लोग क्या करेंगे, फर्ज कर लो क्या करेंगे। ये कॉन्सेप्ट की बात है कि हमारा फर्स्ट लोन ही हमने 1951 में लिया है। तो आप अंदाजा लगाओ लेना क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे को पता था कि हमारे असासों में तकसीम में कहीं ना कहीं तनाजा आएगा, और हमें तो ये भी नहीं मिली। जब ये नहीं मिली तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी नहीं मिली बिकॉज ऑफ डिफेंस सिस्टम। अगर हमने नोट करो डिवीजन और आर्मी के हिसाब से हमारे को इतना अनजस्टिस था कि जहाँ पे 7 करोड़ की आबादी अगर देखी जाए, मिनिमम 70 मिलियन लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से 36% आर्मी दी गई जो 21,000 बनती है, और इंडिया को 3 करोड़ की आबादी दी गई यानी कि आर्मी दी गई। अब अंदाजा लगाओ 3 करोड़ कहाँ और 21,000 कहाँ, उसमें भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक भी नहीं, आर्म्स एमिनेशन की एक भी फैक्ट्री नहीं। और उस फैक्ट्री के लिए हमें जो 60 मिलियन ग्रांट किए गए थे, डिसाइड किए गए थे, वो हमने खुद ही उस लोन में से लगाया। याद आ रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कायदे से हमने इफ्तिताह किया, आप अंदाजा लगाओ कि वो इफ्तिताह का जो बुनियाद थी, बुनियाद जो रखी थी वो कायदे से हमने रखी थी, और 1951 में उसी का लोन ग्रांट हुआ था। तो ये पैसा पाकिस्तान को मिलना था, मिला नहीं, कहाँ गया? मैंने आपको बताया 200 तो मिल गए थे, बाकी 700 किधर गए, 650 कहाँ गए कुछ नहीं पता। तो ये एक ऐसा तनाजा था। फिर उसके बाद नहरी पानी का मसला जो खड़ा हुआ था, आपको पता है ना बेटा कि पाकिस्तान के पास 3 नहरें आ रही हैं, यानी कि 3 दरिया आ रहे हैं सबसे अहम। पहला आ रहा है इंडस, दूसरा झेलम, तीसरा चनाब। ये ग्रांट किए गए, रावी, सतलुज, ब्यास ग्रांट किए गए किसको, इंडिया को। जो मैंने आपको बताया ना पंजाब तकसीम कर दिया गया बिकॉज ऑफ पानी, गंगा और जमुना के हिसाब से, तो वहां दिए गए। उसका चैनल जो वेस्ट में आ रहा है उसको रोका गया, उस रोकने के तनाजे को खत्म किया गया कब, इंडस वाटर ट्रीटी में। यह तो आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा लैंड एंड क्लाइमेट में, लेकिन अगर हमने नोट करा सिंताज माहिदा जो था वो ये हुआ था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। यहाँ पर एक छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के पास 3 दरिया, इंडस, झेलम और चनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसके पास है, इंडिया के पास है। अच्छा यहाँ पर ये तय हुआ था इस ट्रीटी में, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई किसी का पानी होल्ड नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, जबकि कलेक्ट कर सकता है। आप कलेक्शन का मतलब समझ कर जमा कर सकता है, जब जमा कर सकता है तो इट मीन्स यहाँ डैम बना सकते हो आप जितने चाहो। तो अब आप समझ गए कि इंडिया ने कैसे रोका होगा पाकिस्तान का पानी। तो अब कैसे रोक रहा है, किस तरह से उसको थ्रेट कर रहा है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी का ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। देखो आपके सामने प्रेसिडेंट अयूब खान साहब और पंडित मोती जवाहरलाल नेहरू साहब ये बैठे हुए जो साइन करवा रहे हैं, उस वक्त के वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है वो ये रहे। अब आपके सामने होगा बेटा कि पूरी की पूरा तनाजा अब तक चलता हुआ आ रहा है, क्यों चलता हुआ आ रहा है, ये अब अंदाजा हो गया होगा कि कश्मीर का इशू भी क्यों है, वो नहीं पानी के ऊपर है। तो सिंपल है, ये एक है, और कश्मीर इशू का ये हरी सिंह साहब है जिन्होंने भेजा है 25 लाख में इंडिया को बकौल इंडिया के 635 प्रिंसली स्टेट में से। अच्छा हैदराबाद, जूनागढ़, मनवादार, जम्मू एंड कश्मीर, 22 अक्टूबर 1947 यानी कि 22nd में यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया इन इलाकों में, लेकिन कब्जा असल जो किया है वो कश्मीर पे किया है। कश्मीर पे क्यों किया है बेटा, वो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं 20 फरवरी 1947 को ही हमें एहसास हो गया था कि हाँ ये होगा। इंडियंस के साथ ये हमेशा रहा कंट्रोल का टर्मिनेशन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का अनाउंस कर दिया गया था। ये एक ऐसा बोलते हैं ना तनाज़ा क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग जीत चुकी थी इलेक्शंस, लेकिन पूरा अनाउंसमेंट नहीं हुई थी।
तो अनाउंसमेंट नहीं हुई तो इंडिया आज भी ये क्लेम करता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन चुका है बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। असल मसला तो कनाल सिस्टम ही है बेटा, पानी का मुद्दा है, लेकिन पानी उस वक्त मिलेगा ना जब ये इलाका किसी के अंडर में होगा। और बताया पहली वॉर भी 1948 में कश्मीर पर ही हुई है पाकिस्तान के साथ इंडिया की, और दूसरी वॉर आपको पता है फिर हुई है 1965 में, और तीसरी वॉर हुई है 1971 में। ये किसी को अंदाजा नहीं है लेकिन ये हुई है, तीन वॉर्स हो चुकी हैं लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पे पहली वॉर हुई थी और उसी पे कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना ने फॉरेन पॉलिसीज को अपनाया था, जिसमें यूएन का मेंबर बनाने का मकसद ही यही था कि इन शॉर्ट टाइम पे कि हम लोग ज्यादातर दोस्तों के साथ ताल्लुकात कायम करके इस तनाजात को रोक लें। लेकिन ये मसला अब तक खड़ा हुआ है, और फॉरेन पॉलिसी में यूएन के मेंबर बनने के बावजूद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं कर सका। आज पाकिस्तान 186 नंबर पर है, 186, 193 मेंबर्स हैं पूरे के पूरे किसके, यूएन के, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, 186 पे। तो अब अंदाजा लगा लो क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने बेटा जितनी तरक्की करनी थी बकौल कायदे आजम के, आपको अगर नोट हो, कायदे आजम की डेडिकेशन की वजह से पाकिस्तान हमें मिला, और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, उन्होंने एडवाइस की थी। देखो तो एडवाइस किसको की थी, स्टूडेंट्स को, यूथ को की थी कि वो अपनी पे अटेंशन, इनकी वो अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम, इन पर बड़ा जोर दें। लेकिन आपके सामने है कि क्या हम लोग वाकई में वैसा जोर दे पा रहे हैं, वैसे हमने पढ़ाई की है, क्योंकि देखो ये कायदे आजम के बोले मेरे नहीं, क्योंकि कायदे आजम को पता था कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ही मेमार बन जाएंगे। तो उन्होंने ये ऐलान किया, जब ये ऐलान किया तो उनकी लास्ट स्पीच में जो उनका सबसे अहम मुद्दा था वो था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। अच्छा कोई मुझे इसके मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ बेटा, अगर मैं आपको पूछूं कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के सबसे अहम उर्दू में क्या मायने है, तो मुझे कोई बता सकता है? विदाउट देखे बगैर इंटरनेट पे कोई मुझे बता सकता है कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन? देखिए बेटा ये हमारा मोटो था, ये हमारा असल मकसद था बींग एज अ नेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, फाउंडेशन ऑफ योर स्टेट हैव बीन लेड डाउन, हम कश्ती को निकाल लाए हैं तूफान से। ये वही बात थी कि हमने इसको संवार, अब वो संवारना किस तरह था, किनारे पे तो लेकर आ गए, संवारना कैसा था, वो हमने था। अब वो हम में था तो कायदे आजम को पता था कि कहीं ना कहीं अगर मेरा इंतकाल हो भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं टैकल कर लेंगे। 15 जून 1948 लास्ट स्पीच थी, इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक के वक्त इन्होंने लास्ट स्पीच की थी कि वी आर नॉल नाउ पाकिस्तानी, वी आर नॉट बलोच, पठान, सिंधी, बंगाली, हम कुछ नहीं, पाकिस्तानी मुसलमान है, हमने एक्ट भी ऐसा करना है, हमने फील भी ऐसा करना है, हमने बिहेव भी ऐसा करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, तो आप मुझे एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं हमें ये प्राउडनेस होनी चाहिए थी, ये हमें फख्र होना चाहिए था बींग एज अ पाकिस्तानी। तो आपके सामने ये लास्ट बात थी कायदे आजम की, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन है, मुहक्किम, बिल्कुल सही, अरशमान देख लिया इंटरनेट पे, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये हमें सिर्फ उर्दू में लिखना ही आता है, अमल नहीं कर रहे, यही तो बात है। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन है, मुहक्किम, ये हमारे गवर्नमेंट के हर लोगों में आपको मिलेगा, हर उसका लोगो अगर आप उठा के देखो ना, गवर्नमेंट का किसी का भी लोगो उठा के देखो, किसी का भी, तो उसमें ये आपको जरूर मिलेगा नीचे लिखा हुआ, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन है, मुहक्किम। लेकिन हैरान की बात ये, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन हमने सिर्फ नाम तक रख दिया। तो ये वो बातें थी बेटा जो कायदे आजम ने की, जो हमारी मुश्किलात थी, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये मुश्किलात थी, ये मैंने आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, ये सब कुछ जो डिस्कस करो ना, सब ये सब जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ, रीजन ये कि आपसे एमसीक्यूज में इस दफा पूछना ले। हाँ गूगल से नहीं देगा, ठीक है इट्स ओके बेटा, ऐसी मजाक किया आयुष्मान, होता है देख लेते हैं, बच्चों को नहीं पता होता। तो हमने अगर नोट कर लिया कि ये वो बातें थी जो हमने आज सीखी हैं, अगर आज के टॉपिक में इन तीनों में से कुछ चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अब सवाल करो बेटा। अब आप लोगों के जो सवाल आते हैं मैं उसके लिए जन्म देने के लिए तैयार हूँ, आपके पास पूरे के पूरे 7 मिनट हैं, पूछ लो जो आपके जहन में। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो बेटा प्लीज पूछो। आप ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आएंगे, और आपको पता है इस चैप्टर टू के हैं, तीनों चैप्टर टू के क्वेश्चंस हैं उसूलन, दो तो है ही हैं जो अर्ली प्रॉब्लम्स और कायदे आजम का किरदार है गवर्नर जनरल, वो तो आपको चैप्टर टू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने नोट कराओ बेटा कि चैप्टर वन में आपके पास ये 3 जून प्लान होना चाहिए, अगर आपके नोट्स में कहीं नहीं है, फर्स्ट कर लो जो नहीं है, तो आप इन्हीं नोट्स जो आपको लेक्चर में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बेटा, इन्हीं को देख के लिख लो, क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछते हैं, लाजमी पूछते हैं, 3 जून प्लान तो पूछते ही पूछते हैं, क्यों हुआ, क्यों 14 अगस्त को हुआ, 3 जून को क्यों नहीं हुआ। तो
तो प्लीज। अच्छा रिवर्स का मसला बेटा, देखो बेटा रिवर्स का मसला ये था, सिंपल तनाजा ये था, सिंपल तनाजा देखो बेटा, पानी का मसला जो आता है ना पानी का, देखो तीन नहरें रावी सतलज और ब्यास हैं इंडिया के, उससे हमें कोई मसला नहीं है, आप ले लो, ले लिए। लेने के बाद हमें तीन दरिया मिले, जेहलम, चनाब और रिवर इंडस, ठीक है ना। हमने होल्ड किया था, वैसे तो हमने होल्ड किया था, सही बात है, पहले हमने ही होल्ड किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो वो आपको दे दिए गए बिकॉज ऑफ गंगा और जमुना के रिवर्स उन्हीं के साथ मिलते हैं, ये हर किताब हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपने पंजाब इसलिए लिया बिकॉज ऑफ रिवर, हमने वो मान लिया। कश्मीर इशू जो आपने बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि वो तीन रिवर्स का जो मेन स्ट्रीम अंडरग्राउंड से होते हुए पाकिस्तान में आ रही है, आपने वो रोक दिया। रावी और सतलज हम लोग अपने साथ लिखते हैं ना बेटा, पांच दरियाओं में, देखो ना झेलम, चनाब और इंडस तो ही है, बाकायदा पंजाब के हिसाब से दो दरिया जो अंडरग्राउंड से होते हुए आबशार में, कनाल सिस्टम में आके पाकिस्तान में आके गिरते हैं पंजाब में, ये अल्लाह की कुदरत है, ये मेरा नहीं है, अल्लाह की कुदरत है कि हमें पांचों दरिया मिलते हैं, तो वो रोक दिए। अब वो रोकने का जो दो दरियाओं का कॉन्सेप्ट था वो रोका इसलिए, होल्ड इसलिए कर दिया कि उनका ये मसला था, पंजाब लिया इसीलिए था उन्होंने हमसे, लिया इसलिए था कि पंजाब का आधा हिस्सा इसलिए लिया था कि वो दो नहरों का मसला था, वो उनका पास पूरा पंजाब नहीं है, पंजाब हमारे पास पूरा है, हम लोग पंजाब है, हमारे पास पूरा पंजाब है, हमारे पांचों दरियाओं का हिसाब चल रहा है। तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिपीटेड मसला हो रहा है, ये रिपीटेड मसला आज भी मसला है, पानी रुक जाता है क्यों, बिकॉज ऑफ डैम्स। और इंडिया ने डैम्स बना लिए, आपको पता ना 114 141 डैम बना लिए, 141 डैम्स बनाए हैं सिर्फ वहां पर। ये मैं आपको लैंड एंड क्लाइमेट में पूरा बताऊंगा बेटा, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, ये तनाजा था उस वक्त भी और आज भी है, उस वक्त भी ये डिस्प्यूट था, मसला था, आज भी पाकिस्तान में मसला है, वो क्या है, पानी का। अभी मैं पारी पूरा नहीं होता, अब तो रिवर इंडस पे बना दिया है, अब तो रिवर इंडस पे दो डैम बना दिए इंडिया ने, तो बचा गया, तो वो बड़ी बात है, वो मैं आपको लैंड एंड क्लाइमेट में बताऊंगा। लेकिन बस ये आपको मसला समझ आएगा कि क्या था, नहरों का असल, दरियाओं का मसला क्या था, ठीक है बेटा। वो अभी भी है, वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। कोई और सवाल, कोई और सवाल है तो प्लीज पूछो। उमर खान साहब, उमर खान साहब प्राइवेट हुए हैं, नहीं कोई और सवाल है बेटा, प्लीज पूछो, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, जो आपके जहन में है पूछिए, तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल है पूछो। लेकिन जो अभी रिवर्स का मसला है वो मैं लैंड एंड क्लाइमेट में आपको बता रहा हूँ बेटा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो आसानी हो जाएगी। कोई और सवाल है, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। ओके सर, पेपर से एमसीक्यूज बेस आएंगे, यप यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, मैंने आप लोगों को क्लास में ही बता दिया था कि एमसीक्यूज पे बातचीत हो रही है, तैयार हो जाओ, कि पाकिस्तान है कुछ भी हो जाएगा, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। देखो हो गया पूरा एमसीक्यूज पेपर, हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी ने एमसीक्यूज पेपर भेजे हुए, क्या बोलते हैं, सूबे हुकूमतों को, हाँ भेज दिए बेटा, ये हकीकत है, एमसीक्यूज बेस पेपर आ सकता है, जरूर आ सकता है, 100% चांस है, इस दफा 100% चांस है कि एमसीक्यूज पेपर बन जाएंगे, तो कोशिश करो, सभी पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए आपको सभी बताना पड़ रहा है, पूरी बुक्स में से, अब तो कंडेंस भी गया, पूरी बुक में से बनेगा, उन्होंने ये लिखा है पूरी बुक में से बनेगा, तो एमसीक्यूज पूरी बुक में से बनेगा तो कंडेंस का फायदा क्या हुआ, कम करने का क्या फायदा हुआ, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या करूं बेटा, सॉरी लेकिन हकीकत। तो अब ये एमसीक्यूएस पेपर है, कब होंगे पेपर्स बेटा, मरियम बेटा मुझे नहीं पता, ये मुझे कोई अंदाजा नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अप्रैल में भी हो सकते हैं, जुलाई में भी हो सकते हैं, तो अप्रैल, अभी तक तो सबकी सोच अप्रैल पे अटकी हुई है, वैक्सीन तो आ गई मार्केट में, तो अप्रैल में हो सकते हैं, कन्फर्म हो सकते हैं, अभी ये बातचीत हो रही है कि अप्रैल में ही हो जाएंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है अप्रैल में ही हो जाएंगे, तो देखते हैं बाकी अल्लाह मालिक, क्या पता जुलाई में हो जाए। अच्छा सर ये जहालत है, एमसीक्यूज नहीं होंगे उन्हें, अब क्या करूँ बेटा, जहालत को कुछ भी कहो, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, क्या कर सकता हूँ, पूरी बुक में से आएगा, न्यू चैप्टर जो ऐड जिस जिस जस्ट हैं वो हमारे लिए है, नहीं बेटा नहीं, वो नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं, अभी नहीं, कोई दो चैप्टर नहीं, 9 और 10 चैप्टर पे अभी फोकस नहीं, ये है ही नहीं किताब में, ही नहीं है, है ही नहीं किताब में, ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, नहीं, नो नो फोकस, नो फोकस, नो फोकस, 8 चैप्टर पहले कर लो, पहले उसी को कर लो, बहुत है, पहले उसको तो कर लो, 8 चैप्टर नहीं हो पा रहे, धोखा, ऐसी ऐसी भोंगा बंद था, छोड़ो ये सब ऐसे ही है, 8 चैप्टर पे फोकस रखो बस, असल 8 चैप्टर है, 1 से लेके 8 चैप्टर्स, ठीक है, 2 चैप्टर को अभी साइड पे करो, ये सिर्फ भोंगा बने, ये नेक्स्ट ईयर ही होगा, जो होगा नेक्स्ट ईयर होगा ये तो। कोई और सवाल, 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 अभी भी 2 मिनट है, प्लीज
प्लीज किसी के पास दो दो मिनट है, कोई और सवाल करना है प्लीज पूछिए। कोई और सवाल है बेटा प्लीज पूछ लो। कोई और सवाल है बेटा, किसी का कोई और सवाल है प्लीज पूछ लीजिए। 1 मिनट रह गया है, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, नहीं है। हाय हाय हाय, एमसीक्यू स्पेस पेपर। आय हाय, मजा आएगा भाई, इस दफा तो मजा ही आएगा। एमसीक्यू स्पेस, नो सर। ठीक है बेटा, बख्तावर बख्तावर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जबकि जो टॉपिक्स होंगे उनमें सबसे अहम जो आपका टॉपिक आएगा इस दफा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद जो होगा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये तीनों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत आसान टॉपिक्स हैं, तीनों उसी में कवर अप करेंगे। तो प्लीज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो हम पढ़ेंगे, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो प्लीज कोशिश करना है कि नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना, ठीक है। और ये चैप्टर 3 के होंगे, यही 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास इस दफा आएंगे, हम इन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, सबको अल्लाह हाफिज।